तो आज हम बनाने जा रहे हैं आलू के चिप्स। आलू के चिप्स नाम सुनते ही आपको बहुत टेंशन आ जाती है कि अरे आलू चिप्स बनाने के लिए सबसे पहले आलू को छीलो, फिर मशीन में निकालो, फिर पानी बॉईल करो, फिर डालो, फिर धूप में जाके सुखाओ। तो ये सब टेंशन से आप हो गई हैं फ्री, क्योंकि अब आप घर पे एकदम ही आसान तरीके से चिप्स बना सकती हैं, वो भी जिस टाइम आपको खाना होगा उसी टाइम। और ये बढ़िया से चिप्स आप घर में ही बना सकती हैं। ये देखिए आवाज़ आ रही हो शायद आपको, ये देखिए आराम से बनाइए और चाय के साथ एंजॉय कीजिए और बच्चों को भी दीजिए। ये देखिए एकदम आसान तरीके से आप घर में बना सकते हैं। तो चलिए आज मैं आपके साथ आलू के चिप्स की ही रेसिपी शेयर करूंगी, वो भी बहुत ही जल्दी बन जाएगी, उसमें आपको कोई भी झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगर अभी आप मेरे वीडियो पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं चिप्स। चिप्स बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही जल्दी झटपट बन जाएगा। आपको थोड़ी आवाज़ें सुनाई देंगे क्योंकि मेरे घर के पीछे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसलिए थोड़ी सी आवाज़ें आ सकती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चिप्स बनाना। तो चिप्स बनाने के लिए हमने सबसे पहले दो बड़े आलू ले लिए हैं और इसको मैंने जो है छील लिया, छील के पानी में डाल दिया। आप जैसे कि जानते ही हैं कि आलू को पानी में रखना पड़ता है, अगर आप पानी में नहीं रखेंगे तो आलू काले पड़ने लगते हैं, ठीक है। तो ये मैंने दो छील के पानी में डाल दिया है, हम इसे साइड कर लेंगे। अब हमें चाहिए थोड़े से मसाले, तो मैंने यहाँ पे लिए है काली मिर्च पिसी हुई, और ये है चाट मसाला, लाल पिसी मिर्च पाउडर, और ये है चाट सॉरी ये है काला नमक। तो अब हम इन सबको कर देंगे साइड में। अब हमें क्या करना है, ये जो आलू हमने छील के रखे हैं, अब हमें इसे चिप्स बनाने के लिए मशीन का इस्तेमाल करना होगा। तो मैंने यहाँ पे, मेरे पास एक इस तरह की मशीन है, इस तरह से जब आप आलू निकालेंगे तो ये प्लेन निकलेंगे। तो मेरे पास इस तरह का भी एक है, तो ये नीचे वाले से मैं निकालूंगी जिससे कि डिज़ाइन से डिज़ाइन हो जाएगा, तो थोड़ा देखने में और अच्छा लगेगा। अगर आपके पास ऐसा वाला नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप प्लेन चिप्स जो होता है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने मशीन को प्लेट में रख लिया है। अब हम आलू को पानी से निकालेंगे और मैं इसके हल्के हाथों से चिप्स निकालूंगी, क्योंकि तो अगर हम आलू को ज़्यादा टाइट हाथ से पकड़ लेंगे सॉरी आजकल जबान बहुत ज़्यादा स्लिप हो रही है, तो जो है आलू के जो चिप्स होंगे वो थोड़े से मोटे टाइप के भी निकलेंगे। तो मैं इस तरह से सारे निकाल लूँगी, इस तरह से चिप्स मेरे निकल रहे हैं। तो इस तरह से मैंने इसको लिटा दिया है और हम आराम से निकाल देंगे, इस तरह से मैं सारे निकाल दूंगी। ये देखिए आप किस तरह से अच्छे निकल रहे हैं। तो इस तरह से मैं सारे आलू का निकाल लूंगी। तो ये मेरे चिप्स अच्छे से, मैंने इसे जो है चिप्स कितना काट के रख लिया है। अब हम क्या करेंगे, एक हम एक बाउल में पानी लेंगे और हम इसमें पिसा हुआ नमक डालेंगे थोड़ा सा, और इसको अच्छे से चला देंगे। नमक चलाने के बाद हमने जो चिप्स के जो है निकाले थे आलू के, वो हम इस पानी में डाल देंगे 1 से 2 मिनट के लिए। 1 से 2 मिनट हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, जितने हमने चिप्स ये नमक के पानी में रखा था, इसे हम एक प्लेट में अच्छे से निचोड़ के निकाल लेंगे। ये हमने अच्छे से प्लेट में निकाले। अब हमें क्या करना है, अभी भी इसके अंदर पानी है तो हमें इसे किस कैसे सुखाना है, तो हम लेंगे एक साफ़ तौलिया। मैंने यहाँ पे एक साफ़ तौलिया ले लिया है, साफ़ तौलिया ले लिया, उसको इस तरह से फोल्ड करके हम बिछा देंगे। उसके बाद जो हमने आलू के चिप्स बनाए हैं वो हम इस पर एक एक करके ऐसे रख देंगे, जिससे कि इसमें जो भी पानी बचा होगा वो पूरा ये तौलिया जो है वो कर लेगा। हमने इस तरह से सारे चिप्स कर दिए। अब हमारे पास जो तौलिए का एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है उसको हम ऐसे करेंगे जैसे कि आलू के अंदर जो भी पानी है वो सब तौलिया अपने अंदर ले लेगा। अच्छे से हमें दबा के करना है कि सारा पानी तौलिया अपने अंदर ले ले।
अब हम क्या करेंगे, इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। चिप्स मैंने प्लेट में निकाल के रख लिया है। अब मैंने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी है। अब मैं इसमें तेल डालूंगी। तेल को हमें अच्छे से गर्म होने देना है। अब हम चेक करेंगे कि हमारा ऑयल हुआ है कि नहीं। ऑयल अभी 2 मिनट और जाएगा अच्छे से हीट होने के लिए। तो तेल हो गया है, अब हम चिप्स को तेल में डाल देंगे। और हम गैस को एकदम स्लो पे कर देंगे जिससे कि हमारे आलू जो हैं वो अच्छे से हो जाएं क्रिस्प। तो हमें इसे एकदम मीडियम ही गैस पे इसे हमें फ्राई करना है जिससे कि अच्छे से हो जाए। अब चिप्स हमारे हो गए हैं। अब मैं इसे निकाल लूँगी, एक प्लेट पे टिश्यू रख लूँगी और उसका मैं निकाल दूँगी। अब हमारे जो बच्चे हैं हम और उसे भी इसी की तरह फ्राई कर लेंगे। ये देखिए बनके चिप्स तैयार हो गए। अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा मसाला डाल देंगे, थोड़ा सा चाट मसाला डाल देंगे 2 चुटकी, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा काला नमक। इसको हम, आवाज़ आप सुन रहे हैं ना, ये देखिए ये बन के मेरे चिप्स तैयार हो गए। तो मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव में शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए मिलती हूँ ऐसे अच्छे ब्लॉग के साथ। सॉरी आजकल पता नहीं क्या हो रहा है, मेरी ज़बान बहुत ज़्यादा स्लिप कर रही है। चलिए मिलती हूँ ऐसे अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।